है 15 और नाम है सपनों की उड़ान। ये कहानी है यहाँ पे इस कहानी में पात्र है मुरारी लाल। तो मुरारी लाल ये जो व्यक्ति है गांव में रहते हैं और जब भी ये सोते हैं तो नाक से आवाज निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं खर्राटे। तो ये बहुत जोर जोर से खर्राटे मारकर सोते हैं रात को, तो जिसके कारण लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब होता था, ठीक है, सोने में प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए एक दिन गांव के कुछ लोग उनको बोला, सलाह दी कि तुम एक वैद्य के पास जाओ और अपने खर्राटे का इलाज कराओ। लेकिन उसने जवाब में क्या बोला कि जिसको भी परेशानी है मेरे खर्राटों से वो अपने कान में रुई डाल दे, ठीक है। तो इसके वजह से इस जवाब को सुनकर, ठीक है, और कोई भी उसको कुछ नहीं कहते। और अभी कहानी शुरू होते हैं, तो गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में ज़्यादातर गांव में बाहर लोग जो है घर के बाहर निकल के घर के बाहर ही आंगन में चारपाई लगाकर, ठीक है, सो जाते हैं, खटिया या चारपाई। तो उस दिन भी रात को, ठीक है, गर्मी का मौसम था इसलिए मुरारी लाल बाहर ही वो सो गए। तो वो खर्राटे जोर जोर से मारने लगे, तो खर्राटों की आवाज़ सुनकर एक सांड जो उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसको लगा कि और एक सांड ने उसको ललकारा है। तो इसीलिए उसको लगा जो खर्राटे का आवाज़ मुरली लाल के वहां से आ रहा था, उस आवाज़ से उसको लगा, सार को लगा कि और एक सार जो है उसके खिलाफ ललकार रहे हैं। तो इसीलिए वो वहां पे आया जहाँ से आवाज निकल रहा है, वहां पे अपना सिंग मारा, तो उसका सिंग जो है वहां पे उस खटिया में फंस गया। और फंसने के वजह से क्या हुआ, सिंग को वो इधर उधर घुमाया तो वो खटिया भी इधर उधर घूमने लगा और मुरारी लाल जो है उस खटिया के ऊपर से वो गिर गए और जिसके कारण उसको सर में चोट लगा। तो उस दिन से वो बाहर और सोना नहीं चाहता और उसने कसम खाई कि वो कभी बाहर नहीं सोएंगे। तो इसके बाद अगले ही दिन वो फिर से सोचने लगा कि कहाँ पे वो सोए, घर के अंदर, तो वो घर के अंदर नहीं सोएंगे तो कहाँ सोए। तो उसने देखा पेड़, तो पेड़ के ऊपर उसने मचान बना दिया। तो मचान है सोने का जगह जो बांस से बनाया गया ऊपर पेड़ के ऊपर, तो मचान बनाया तो वहाँ पे वो सोने लगा। तो पेड़ के ऊपर है तो इसलिए ठंडी ठंडी हवा बहुत आती है, तो इसलिए वो वहाँ पे सोने लगा मजे से। और वहाँ पे सोने से पहले वो जब लेटे हुए थे वो सोचने लगे कि शहर में अगर वो जा पाएंगे तो और भी अच्छा होगा, शहर में बहुत सारे बिजली होंगे, तो इस तरह से वो शहर की सैर करना चाहते हैं। तो वो सोच रहा था, तो क्या था जब वो उसके आँख लग गई तो वो सीधा शहर पहुंच गए, सपनों में शहर पहुंच गए। और वो भी अलादीन की तरह, जैसे अलादीन आपने कहानी देखे होंगे अलादीन की, ठीक है, वो चढ़ाई के ऊपर उड़ जाते हैं, तो वैसे ही वो भी शहर की सैर करना चाहते थे। तो इसी तरह वो पहुंच गए सपनों में और वो शेयर करने लगे और करते करते वो आसमान में उड़ रहे थे। और गांव में, आई मीन सॉरी, शहर में जो लाइट जो जगमगा रहे थे, ठीक है, बिजली उसको देख रहे थे, खंभों को देख रहे थे, बिल्डिंग्स जो बड़े बड़े इमारत थे उसको देख रहे थे। उसको बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो आसमान के ऊपर से सब कुछ देख रहे थे नीचे। तो लेकिन एक जगह पहुंचा, वहाँ पे रामलीला चल रहे थे, ठीक है, रामलीला देखकर उसको बहुत मजा आ रहा था। तो रामलीला जब वो देख रहे थे उस टाइम में क्या हुआ, देखते देखते वो वहाँ पे पूरा मग्न हो गए और वो भूल गए कि वो जो कहाँ से देख रहे हैं, आसमान के ऊपर से, ठीक है, खटिए के ऊपर बैठे हुए आसमान के ऊपर से। तो वो मग्न हो गया पूरा वहाँ पे देखकर, उसको बहुत अच्छा लगा और वो भूल गया कि वो तो आसमान में उड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, वो वहां से उस खटिए के ऊपर से वो गिर गए, ठीक है, और नीचे आके गिरा और खंभे के ऊपर उसका खटिया टकराया, ठीक है, वो टकरा कर वो मुंह के बल गिर गया नीचे। इससे क्या हुआ, पूरा
पुलिस वहां पे पहुंच गए, पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेकर गए, सिपाही उसको गिरफ्तार करके लेके गए। और वो वहां पे बहुत दुखी था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, बोला कि मुझे छोड़ दो और मुझे बचाओ बचाओ बोल के वो चिल्लाने लगा, बहुत परेशान हो गए। तो बिना परेशान हो गए तो वो सपने में चिल्ला रहा था ये सब, तो जिसके कारण गांव के दो व्यक्ति वहां पे पहुंच गए और सुना कि ये मुरारी लाल जो है वो चिल्ला रहे हैं मचान में, मतलब पेड़ के ऊपर जो जहाँ पे उसने बिस्तर बनाया था उस मचान में क्या हुआ, वो चिल्ला रहे हैं। तो पेड़ पर वो दोनों चढ़े, देखा कि वो तो सपने में बड़बड़ा रहे हैं, कौन, मुरारी लाल। तो उसको किसी तरह से उठाया, उठाकर उसको बोला क्या हुआ, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे। तो मुरारी लाल जब नींद से जागा तो उसको पता चला वो तो अपने गांव में ही है, ठीक है, अपने लोगों के बीच में। तो उसने उस दिन से कसम खाई फिर से कि वो कभी शहर की तरफ नहीं जाएंगे और कभी मचान में नहीं सोएंगे। तो बच्चों आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे लगा होगा ना, तो बहुत कहानी ये अच्छा है। तो यहाँ तक ही आपकी कहानी है, तो अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। अभ्यास में है शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको, शब्दार्थ आपको ऑन करना है, उसके बाद मौखिक, मौखिक भी ऑन होगा, फिर आपका लिखित का नंबर 1, ठीक है, नंबर 4 में होगा आपका भाषा बोर्ड से, नंबर 1 एंड 2, ठीक है, नंबर 1 एंड 2 होगा। तो यहाँ तक ही है आज के लिए, धन्यवाद।